रामगढ़ ताल में घड़ियाल द्वारा महिला को पकड़ने का वायरल वीडियो फर्जी निकला। आपको बता दें कि रामगढ़ ताल जिले के पर्यटन स्थलों में से एक है तथा जब से वीडियो वायरल हो रहा है तब से नौकायन पर पैडल वोटिंग बंद कर दी गई है, लेकिन इस वायरल वीडियो का एसएसपी मीडिया सेल ने खंडन किया है और वीडियो को कहीं और का बताया है तथा अफवाह फैलाने वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि रामगढ़ ताल में घड़ियाल के वायरल वीडियो का रामगढ़ ताल थाना प्रभारी जय नारायण सिंह द्वारा जांच किया गया है तथा वीडियो को कहीं और का पाया गया है। उन्होंने कहा, वन विभाग को पत्र लिखकर अवगत करा दिया गया है कि वायरल वीडियो वाले मगरमच्छ को जांच कर कहीं भी हो पकड़ लें। एसपी सिटी ने कहा कि वीडियो के माध्यम से अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि अफवाहों से दूर रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, नहीं, ये जो वीडियो है ये रामगढ़ ताल का नहीं है, इंस्पेक्टर द्वारा स्वयं जांच की गई और ये जो वीडियो है कहीं और का है, किसी और समय का। दूसरी बात ये है कि इस आशय का पत्र हमने वन विभाग को लिख दिया कि इस मगरमच्छ को पकड़ के इसको जहां भी हो रिहैबिलिटेट करें। सर, कुछ लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, जो भी अफवाह फैलाएगा उनके खिलाफ समुचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। इसलिए जनता से अनुरोध ये है कि इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं।